बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज शुरू करते हैं एक छोटा सा एक डेमो आपके लिए, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान को जो है ना वो मर्जिंग से निकाल कर फ्रंटियर मार्केट के लिस्ट में डाला जा सकता है। तो देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होगा और इमर्जिंग मार्केट और फ्रंटियर मार्केट्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों की बनाई है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली क्या है क्या ये, ठीक है। तो जिनके लिए, जिनको नहीं पता ये, उनके लिए बहुत शायद इन्फॉर्मेशन हो जाए, इन्फॉर्मेटिव हो जाए। तो इमर्जिंग मार्केट का देखते हैं। इमर्जिंग मार्केट बेसिकली, इसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दे डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक ऑफ स्मॉलर कंपनीज दैट ट्रेड इन लेस डेवलप्ड इंटरनेशनल मार्केट नोन एज इमर्जिंग मार्केट एंड फ्रंटियर मार्केट। मतलब कि इन्वेस्टर्स जो है वो, उनके लिए ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन्वेस्ट करना इनमें ना। और इमर्जिंग मार्केट इंक्लूड कंट्रीज दैट आर इन प्रोग्रेस ऑफ बिकमिंग डिवेलपिंग कंट्री, जो कि डिवेलप कंट्री बनने के लिए जा रहे होते हैं ना, मतलब कि उनके लिस्ट में होते हैं। तो उनके लिए ये इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, उनको इमर्जिंग मार्केट के लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इमर्जिंग मार्केट्स कैन स्टिल प्रोवाइड हायर रिटर्न ऑन कैपिटल। इमर्जिंग मार्केट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है ना अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं कैपिटल पर कैपिटल, ठीक है। और कंट्रीज विद एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी यूज टू बी रेफर्ड टू एज लेस इकोनॉमिकल डिवेलप कंट्रीज LEDC, ठीक है। और ये जो है ना LEDC, उनको LEDC जो उनको रेफर कर दिया जाता है, ये नाम दे दिया जाता है। इमर्जिंग मार्केट्स आर अनलाइक US और जापान, मतलब स्टिल ये डेवलपिंग कंट्री से कम होती हैं, लेकिन समहाउ दे आर ट्राइंग टू बिकम डेवलपिंग, टू रीच द डेवलपिंग स्टेट। तो ये जो है ना, फॉर एग्जांपल जापान और US जो कि डेवलप कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल उनसे, उन जैसी तो नहीं होती, बट आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेवलपिंग इकोनॉमी, इन बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो उसके बाद सम एग्जांपल्स इसकी देखते हैं कि कुछ एग्जांपल जैसे इंडिया, मेक्सिको, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। इंडिया भी मैंने अभी रिसेंटली चेक किया है लिस्ट में, तो मुझे उसके अंदर नहीं नजर आया ये ना इमर्जिंग के अंदर। तो आप इसको लेकिन वेरीफाई कर सकते हैं, ये मैंने पुराना थोड़ा डेटा उठाया हुआ है, तो मुझे कहीं वहां से मिला था, तो नए डेटे में शायद ये कोई फर्क हो। तो ओवरव्यू लेते हैं फ्रंटियर मार्केट्स का। ये था इमर्जिंग मार्केट्स का। और फ्रंटियर मार्केट्स आर लेस एडवांस्ड फॉर लेस एडवांस्ड इकोनॉमीज, ठीक है। और फ्रंटियर मार्केट इज लेस एस्टेब्लिश देन एन इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट से जरा लेस एस्टेब्लिश होती है, दे आर स्मॉलर, लेस एक्सेसिबल एंड रिस्कियर देन इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। और दे आर स्टिल कंसिडर्ड वायबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो इन्वेस्टर जो है वो, हाउएवर इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन फ्रंटियर मार्केट फेस अ सर्टन रिस्क, कुछ रिस्क फेस करता है, क्योंकि जो फ्रंटियर मार्केट होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है मुल्क के हालात के ऊपर ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के ऊपर अगर आ जाए तो इफेक्ट करती है, पुअर अगर लिक्विडिटी पड़ जाए तो उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है, मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालती है। इनएडिक्वेट रेगुलेशंस अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें अगर लाकानूनियत आ जाए तो उसमें जो है ना ये उसको इफेक्ट डालेगी। स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड लार्ज करेंसी फ्लक्चुएशन, फॉर एग्जांपल डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी रुपी अगर फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आगे जब मैंने स्लाइड बनाई है जो कि फैक्टर डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना वो इन्वेस्टर्स को थोड़ा जो है ना वो हौसला अफजा चीज नहीं है ये चीजें ना, क्योंकि पाकिस्तान के मार्केट अगर फ्रंटियर में डाली जाएगी तो टोटली जो है ना वो इंटरनल हो जाएगी पाकिस्तान की मार्केट में। तो देखते हैं आगे, और आगे फ्यूचर ऑफ फ्रंटियर आर कंसिडर, लेकिन फ्यूचर जो है ना इनका ब्राइट होता है, ठीक है। किस वजह से ब्राइट होता है, क्यों ब्राइट इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ना मैंने मैकडोनल्ड की एग्जांपल दी है कि एक लेट सपोज एक गांव है, ठीक है। फ्रंटियर मार्केट ना क्योंकि इंटरनल हो जाती है, ठीक है, और इमर्जिंग मार्केट जरा ग्लोबली ऑपरेट करती है,
मैकडोनल्ड अगर लेट सपोज एक विलेज के अंदर आ जाता है तो वो क्या होगा कि एक फोकस बन जाएगा लोगों का ना, अट्रैक्टिव एरिया बन जाएगा, लोग बड़ा आएंगे यार ये बड़ा एरिया डेवलप हो रहा है, लोग घर भी महंगे हो जाएंगे वहां पे, और मतलब कि कोई एक मल्टीनेशनल चेन अगर आ जाएगी ना तो वो उस एरिया की क्वालिटी को उठा देती है। ठीक है, मैं मैकडोनल्ड जस्ट एक सरसरी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी एक आ जाती है, अपना आगे प्लांट लगाती है किसी भी एरिया में, तो उसके नियर अबाउट जो भी चीजें होंगी वो उठना शुरू हो जाएंगी। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट फॉरन इतनी ज्यादा नहीं होती, जब एक फॉरन इन्वेस्टमेंट आती है ठीक है तो वो मार्केट को बहुत ज्यादा बूम करती है ना। तो अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हैं और फ्यूचर फ्रंटियर में चली जाती है पाकिस्तान की, और हालात पाकिस्तान के थोड़े बेहतर होते हैं, तो मे बी कल को अगर पाकिस्तान की मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए कि यार ये जो है ना मार्केट जरा अच्छा परफॉर्म करती है, फिर जैसे ही इन्वेस्टर्स आएंगे उसके अंदर तो वो और ज्यादा बूम पकड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल थी। और लेकिन ये जो इमर्जिंग मार्केट होती है मस्ट मेंटेन ग्लोबल मार्केट कंपटीशन, उनमें ग्लोबल मार्केट के साथ कंपीट करना होता है, फ्रंटियर मार्केट को भी कंपीट तो करना होता है, लेकिन वो विद इन इंटरनल इश्यूज ज्यादा कंपीट कर रही होती हैं, उनका ऐसा कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर ग्लोबल मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है। तो इन लॉन्ग रन में वो FM मार्केट जो है वो बेटर है एंड लेस वोलेटाइल है, क्यों? क्योंकि उनका ग्लोबली इतने ज्यादा कनेक्शन नहीं पड़ता, फिर वो चेन जो है ना वो विद इन मतलब कंट्री पॉलिटिक्स और फलानी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं ये उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। तो वो सारी का सारा अगर तो कंपनीज कोई अच्छी परफॉर्म कर रही होंगी, इन्वेस्टमेंट आ रही होगी लोकली भी, और तो वो उठना शुरू कर देगी। और जो है ना कम इसी तरह ही अगर कोई बुरी न्यूज आती है, तो जैसे कोरोना आ गया था, तो अगर मार्केट हमारी फॉरन जो दूसरों में थी उनके ऊपर शायद, ये मैंने स्टैट तो नहीं देखे लेकिन शायद उनमें लेस इफेक्टिव हो, ठीक है इफेक्ट डाला उसमें, बट EM आर हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज, वो ऑब्वियसली क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा होती है, ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको ज्यादा माल उठा सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा बिगर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और अगर KSE के ऊपर ये आ जाता है एक वक्त के वो FM में आ जाती है तो क्या होगा, तो KSE विल सी हैवी प्रेशर ऑन फॉर अ मंथ और सो, मतलब कुछ प्रेशर ऑब्वियसली उसके अंदर आएगा मार्केट के अंदर, कुछ इंडेक्स घटेगा भी क्योंकि थोड़ा सा एक नीचे आएगी ना मार्केट, तो इंडेक्स विल ड्रॉप टू सर्टेन लेवल विच इज क्वाइट मच पॉसिबल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल सी अ डिक्लाइन, ऑब्वियसली इट विल सी अ डिक्लाइन। ठीक है, उसके बाद KSE विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइडों में भी बताया है कि टोटल जो है ना मार्केट मुल्क के अंदर वाली सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं होगा, तो लोकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएगी, कंपनी ग्रोथ के ऊपर आ जाएगी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। अगर पाकिस्तान का रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो मार्केट उठना शुरू कर देगी, इन्वेस्टर्स आएगा कहेगा यार पाकिस्तान में थोड़ी बेहतरी आ रही है। इन लॉन्ग रन अगर हम देखें तो लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव से जो भी मार्केट इस सिचुएशन में आती हैं और जो ट्राई करती हैं अपने आप को बेहतर करती हैं और अगले स्टेप के अचीव करने के लिए, उनमें उनके लिए लॉन्ग रन में थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है कि उन्होंने सम हाउ कंपटीशन बढ़ाना होता है और नेक्स्ट की तरफ जाना होता है। तो ये था जी थोड़ा सा व्यू, और थोड़ा सा एक लिस्ट में आपको दिखाता हूँ करंटली जो के विकिपीडिया के ऊपर है कि कौन कौन सी मार्केट्स उसके अंदर जो है ना आ सकती हैं, आई हुई हैं। और ये एक वेबसाइट है जिसने 2017 का डाटा शेयर किया हुआ है, फ्रंटियर मार्केट और MSCI, फ्रंटियर मार्केट और MSCI इमर्जिंग मार्केट का, उसमें जो रेड है ये आपको इमर्जिंग मार्केट है और फ्रंटियर जो है ये ब्लू लाइन है। तो आप देखें कि इतनी कम उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है मर्जिंग में, ठीक है उसकी जो नोड्स हैं वो निचले वाले लेवल पे जरा ज्यादा आती हैं, ठीक है इसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, ठीक है, और इसमें जब लेकिन हाई पड़ता है तो इमर्जिंग में ऑब्वियसली रिस्क जरा ज्यादा है, तो जिस चीज में रिस्क जरा ज्यादा हो उसमें जितनी ग्रोथ होती है उतना डाउनफॉल भी आता है, तो ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा हुई है, स्टेबल रही है देखें, तो ये चढ़ती 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 ऑलमोस्ट सेम चीजें ही फॉलो कर रही है। और जो है ना 2017 में ये
कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि वो फ्रंटियर वाली जाहिर बात है वो इंटरनल के ऊपर होगी मार्केट अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज है, इतना इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा झटका लगेगा और समहाउ पाकिस्तान को फिर इम्प्रूवमेंट देनी होगी, मार्केट के इंडेक्स को अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि वो नेक्स्ट चैलेंज की तरफ आए। और ये था जी आपके लिए छोटा सा व्यू एक, और ये क्यों नहीं हो रहा? ये विकिपीडिया पे अगर जाके देखें तो विकिपीडिया पे जो लिस्ट शेयर हुई हुई है उसमें अर्जेंटीना, बहरीन, बांग्लादेश इवन फ्रंटियर में है, ठीक है, और जो कि हमारे से बेहतर जिनकी जीडीपी जा रही है, और उसके अलावा जो और मशहूर मुल्क है वो इजिप्ट इमर्जिंग में है, ठीक है, और गाना, जमैका, ये जो अफ्रीका के जो मुल्क है ज्यादा से ज्यादा वो सारे फ्रंटियर में है। कुवैत जो है ना वो भी सेकेंडरी इमर्जिंग में है। लिथविया, इन कंट्रीज में मैं खुद गया हुआ हूँ, ये लिथविया, लिथुआनिया, ठीक है, एस्तोनिया, ठीक है, इनमें मैं फिरा हुआ हूँ। और ये जो और कौन सी है, कीनिया तो नहीं गया हुआ मैंने खैर, लेकिन ये दो दो चार कंट्री मैंने देखे हुए। तो इनकी जो है ना वो इतने ज्यादा, ये जो लिथविया लिथुआनिया है ना, ये यूरोप वाले इसको बहुत ही जो है ना वो मतलब के गरीब मुल्क समझते हैं, तो ना तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी मर्जिंग में नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि उनकी जरा स्टेबिलिटी कम है, ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका पॉलिटिकली होगा और वो ट्राई कर रहे होंगे अभी भी। ओमान, ओमान भी जो एक वेल नोन कंट्री है वो भी फ्रंटियर में है, ठीक है, पाकिस्तान इमर्जिंग में है, एमसी उसमें MSCI पे, ठीक है, इमर्जिंग में है, और FTSE पे, सेकेंडरी पे, इमर्जिंग पे है, और S&P पे इमर्जिंग कैटेगरी में है। तो कतर देख लें, कतर भी इमर्जिंग में है, कतर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ रही है और बहुत ज्यादा ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, फुटबॉल यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये इमर्जिंग से निकल के डेवलपमेंट में चला जाएगा। और सर्बिया जैसे मुल्क जो है ना वो जो बेकार, गिलन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, श्रीलंका भी फोरेंटियर पे है, टूनिसिया, जैम्बिया, वियतनाम, वियतनाम जो कि अच्छा कंट्री है लेकिन ये भी फ्रंटियर में है। तो ये थी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रंटियर एंड इमर्जिंग मार्केट, और होपफुली आपको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और पता चला होगा कि क्या इसको कहते हैं, क्योंकि कई बंदे होते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। थैंक यू वेरी मच।